नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे एबीपीएस न्यूज। भुखमरी सूचकांक में भारत की गंभीर स्थिति पर बोले राहुल, सरकार खास मित्रों की जेबें भरने में लगी है। महिला सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने मिशन शक्ति का किया शुभारंभ, कहा अपराधियों के खिलाफ नहीं बरती जाएगी कोई रियायत। महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी, पलायन रोकने सहित जानिए क्या क्या वादे किए गए। बलवंदर सिंह के अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी, एसडीएम ने दोषियों को जल्द गिरफ्तारी का किया वादा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में पहुंची, पराली जलाए जाने से बढ़ सकता है प्रदूषण। शाहबाद रामपुर, शाहबाद नगर पंचायत के बाजारों में दुकानों पर ईओ प्रेमचंद ने पॉलिथिन थैली पकड़कर जब्त की, अभियान चलाकर लोगों से 16,500 रुपए जुर्माना वसूला। रामपुर, पीआर 126 किस्म के बाहरी बाजारों में अत्यंत कम मूल्य होने पर किसानों को होने वाली समस्याओं पर बैठक में राइस मिलर्स के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत की गई। संबल नगर के मियासराय स्थित नवाब महमूद अंसारी गर्ल्स इंटर कॉलेज में सर सैयद अहमद का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। संबल, आज से शरदीय नवरात्र शुरू हो गए। जिले भर के मंदिरों में भोर से हो रही भक्तों की सामाजिक दूरी के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना का आशीर्वाद लिया गया। स्वार विधानसभा के स्वार टांडा क्षेत्र रुस्तम नगर के प्रधानों ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हमजा मियां ने पार्टी में आए सभी लोगों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। संबल, अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी को दिया, जिसमें उन्होंने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की। टांडा, राष्ट्रीय एकता संघ के जिला अध्यक्ष रामपुर मोहम्मद आरिफ, राष्ट्रीय सचिव जुबैर अजीज के नेतृत्व में रोड शो फोर लाइन बनवाने एवं डिवाइडर बनवाने के संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन भेजा। संबल, ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में सर सैयद अहमद खां के जन्मदिन के मौके पर शिक्षकों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वार पूर्व पालिका अध्यक्ष सफी अहमद अंसारी ने फीता काटकर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। संबल, थाना हयात नगर क्षेत्र के गांव रहरा कमंगर में सोते हुए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। संबल, सट्टा खेलते गिरफ्तार, बहजोई कोतवाली पुलिस ने आईपीएल सट्टा खेलने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संबल, नौगवा सादात विधानसभा क्षेत्र के हसनपुर ब्लॉक की जिम्मेदारी सापा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खां को सौंपी गई है। संबल, विकास विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष ने गांव ईसापुर मुंड निवासी धीरज कुमार तागी को बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर चयन होने की बधाई दी है। लखनऊ, काला नमक धान को बनाएंगे बासमती की तरह अंतरराष्ट्रीय ब्रांड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुशबू और स्वाद में बेमिसाल पौष्टिकता से भरपूर काला नमक धान को बासमती की तरह ही अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई जाएगी। बधाई, लेखपाल कर रहा जमकर दलाली, लेखपाल की शिकायत बहुत ज्यादा है, इसे अभी तक इस पर लेखपाल पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। बाराबंकी, बेलहरा फसल की रखवाली कर रहे युवक की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शाहबाद रामपुर, भाजपा ने कार्यकर्ताओं के लिए लगाए प्रशिक्षण कैंप। संबल, मिठाई के साथ डिब्बे की तौल की तो खैर नहीं। रामपुर, तबादलों पर हाईकोर्ट की रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले की सूची पर रोक लगा दी है। रामपुर, बिना नंबर प्लेट के वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होंगे जारी, प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है।